टेंथ क्लास विथ स्टूडेंट्स डू नॉट हैव द प्रैक्टिस असाइनमेंट्स रेज योर हैंड्स। एवरीबडी हैज। चलिए मैम जरा ये देख लेना कि हर बेंच पे एटलीस्ट असाइनमेंट हो। आप हाँ निकालो और आगे आ जाओ बेटा, जो आगे से पीछे गए हैं आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बेटा, मेरे लिए बराबर है बेटा आगे और पीछे। मैं तो जूम करके तुम्हें पीछे भी देख सकती हूँ, बट इट्स फॉर योर सेल्फ कॉन्फिडेंस कि हम आगे बैठे हैं, मैम हमें देख रहे हैं, सिर्फ एक इतनी सी बात है। ठीक है जी, हेरिडिटी की असाइनमेंट, और जल्दी से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है फर्स्ट सेवन। बेटा मुझे बताओ सेक्स डिटर्मिनेशन एक्स 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 वाई किया हुआ है, एक्स 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 ओ किया है, चलो समझ लो सेम ही है, एक्स 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 वाई की तरह से ही है। ये मैं आपको समझा देती हूँ, समझना है ध्यान से। उसके बाद बेटा ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन टुडे इज फोर्थ थर्ड, सबने अपनी असाइनमेंट पे डेट लिख लेनी है आज, राइट? तो हम बात कर रहे हैं बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन की। सेक्स डिटर्मिनेशन मैंने बेटा आपको ये बताया था, यस हु विल टेल मी कि सेक्स डिटर्मिनेशन किस स्टेज पे होती है? दक्ष, टेंथ ए, दक्ष जरा खड़े हो जाओ बेटा। अच्छा एब्सेंट है दक्ष। दिलप्रीत, दिलप्रीत दिलप्रीत बेटा माइक के पास आ जाओ। तो किस स्टेज पे, पहले तो जो ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन किस टाइम होती है? मैं ऑप्शंस दे रही हूं आपको, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन, एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट प्यूबर्टी। पहले मेरी बात क्वेश्चन ढंग से सुनना है, मैं आपको समझाती हूँ। एट व्हाट टाइम सेक्स इज डिटरमिंड, ये नहीं कि हमने बाहर से देख के बताना है कि ये लड़का है या लड़की है, किस टाइम पे ये डिसाइड होता है कि अब ये जो बच्चा है ये लड़का होगा कि लड़की होगा, क्या बनेगा ये बच्चा, किस टाइम पे ये डिसाइड होता है? बाहर से नहीं हमने देखना है कि भी अच्छा जी अब इसकी टेस्टिस है तो ये लड़का है, अब इसकी टेस्टिस नहीं है तो ये लड़की है, ये तो एट द टाइम ऑफ बर्थ ही हमें पता चलता है, ठीक है? बट क्या उसी टाइम पता डिसाइड होता है कि ये लड़का है या लड़की है, या पहले से डिसाइड हो जाता है कि इसने लड़का बनना है या लड़की बनना है? हाँ जी बेटा, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन कैसे पता चलता है बेटा? दिलप्रीत डू यू नो दैट, यस बताओ। व्हेन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स ऑकर देयर आर 24 क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ईच ऑफ पहली देम बात तो 24 नहीं है बेटे, 23, अभी तो 23 46 टोटल होंगे ना, 23 क्रोमोसोम्स इन ईच गैमीट, राइट? यस And from female the X and X chromosome comes and from male it can be either X or Y. And वेरी गुड, if X and Y fuses together, then it will be a boy child. And if it is X and X, it will be a girl child. वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, दैट्स गुड, बेटर दिलप्रीत। सो एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, और वी कैन से एट द टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है जी, इस टाइम पर डिसाइड होता है, ये याद रखना है आपने। अब कैसे डिसाइड होता है कि ह्यूमंस में देन
सम इंसेक्ट्स, देन बर्ड्स, इनमें कैसे है मेन, ये मैं बता रही हूं, दे हैव सेक्स क्रोमोसोम्स। ह्यूमंस तो हम क्या कहेंगे, दे हैव क्रोमोसोमल, कौन से क्रोमोसोमल, सेक्स क्रोमोसोमल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स क्रोमोसोमल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, तो ह्यूमंस में जो फीमेल है उसमें है 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स, जो बाकी के क्रोमोसोम्स है उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स, प्लस एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम्स, यस और नो बोलो, यस और नो। तो दिस इज इन केस ऑफ फीमेल। इन केस ऑफ मेल्स यस क्या होगा बेटा, हरनूर कौर जल्दी से, 10 थे, आगे आओ एब्सेंट जल्दी से, हरनूर एब्सेंट है, हरमनजोत, एब्सेंट हाय हाय, गुरलीन कौर, वेयर इज गुरलीन, आओ बेटा जल्दी से आओ, भाग कर आया करो बेटा, टाइम नहीं हमारे पास, टाइम हमारे पास बड़ा लिमिटेड है। सो टेल मी व्हाट अबाउट मेल्स, मेल के सेल्स में कौन से क्रोमोसोम्स है बच्चे, 22 पेयर प्लस एक्स वाई एक्स हम क्या कहेंगे, 22 पेयर्स ऑफ, अभी मैंने बताया है क्या है ये, ऑटोसोम्स, बोलो 22 पेयर्स ऑफ, एवरीबडी ऑटोसोम्स ऑटोसोम्स एंड, हां जी गुरलीन, एंड कौन से सेक्स क्रोमोसोम्स है, गुरलीन बताएगी बेटा, चलो कोई बात नहीं, एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है बेटा बैठो। अब यहां पे अगर गैमेट्स बनेंगे बेटा, तो यहां पे गैमेट्स क्या बनेंगे, पेयर्स है ना, पेयर्स अलग अलग हो गए, तो हर गैमेट में क्या होगा, 22 एक्स, इज इट राइट, किसी को नहीं पता चला, ये भी अलग अलग हो गए, ये एक गैमेट में, ये दूसरे गैमेट में, ये पेयर्स भी अलग अलग हो गए, 22 एक गैमेट में और 22 दूसरे गैमेट में, और ये वाला एक्स इधर चला गया, ये वाला एक्स इधर चला गया, तो हर गैमेट में क्या हुआ, 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम, एम आई राइट, किसी को नहीं पता चला, मैम जरा देखो, किसी को नहीं पता चला तो बताओ मुझे, इज इट ओके, हाँ जी बेटा।
अभी चलो दूसरा भी ज्वाइन करता है, ये पता चल गया, किसी को नहीं पता चला तो वो बताए मुझे बेटा कैसे 22X क्रोमोसोम्स हुए। क्लियर है एवरीबडी? यहां पे कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे? एनीबडी? वन टाइप के टू टाइप? कौन बता रहा है बेटा? नैना, नैना 10th है, 22 प्लस x एंड 22 प्लस y। टू टाइप के गैमेट्स बनेंगे राइट? यस 22 22x, एक ये गैमेट बनेगा और एक बनेगा 22y। 10th बी क्लियर? यस तो यहां पे कितने टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं? एक टाइप है x ना, फीमेल में वन टाइप। तो ये क्या है, होमोगैमिटी की हेट्रोगैमिटी? होमो का क्या मतलब होता है, सेम कि डिससिमिलर? होमो में सिमिलर के डिससिमिलर? यस सिमिलर, सो दिस इज होमोगैमिटी। फीमेल शो होमोगैमिटी, नहीं पता तो लिख लो बेटा, ह्यूमन फीमेल शो होमोगैमिटी, राइट डाउन, फीमेल, ह्यूमन फीमेल शो होमोगैमिटी, अपने असाइनमेंट पे ही लिख लो। एज दे फॉर्म ओनली वन टाइप ऑफ गैमीट, 22 प्लस एक्स, वेयर एज ह्यूमन मेल शो क्या? अब बताओ जरा क्या आपका क्या? हेटेरोगेमी। हेट्रोगैमिटी, वेरी गुड, दे शो हेट्रोगैमिटी, दैट इज टू टाइप ऑफ गैमेट्स। हेट्रो मीन्स डिसिमिलर, ओके एवरीबॉडी? यस मे आई शिफ्ट टू नेक्स्ट पेज? यस उसके बाद हमने किया था इंसेक्ट्स, सेकेंड आ जाता है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में जो है फीमेल्स और ऑटोसोम्स, तो जो भी होंगे मैं यहां पे ऑटोसोम पेयर्स, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स है, प्लस एक्स एक्स, जो मेल्स है इनमें भी ऑटोसोम पेयर्स, प्लस एक्स ओ नहीं है, ये जीरो है, दिस इज जीरो, ओनली वन एक्स क्रोमोसोम दे हैव। ओनली वन एक्स क्रोमोसोम इन मेल्स। तो यहां पे बेटा जो गैमेट बन रहा है वो है ऑटोसोम एंड एक्स क्रोमोसोम, ये हम यहां पे लिख लेते हैं ए ए। यहां पे दो टाइप के गैमेट्स बन जाएंगे, एक में तो ये चला जाएगा और दूसरा में ए जीरो, या फिर हम सिंपल कह सकते हैं ए, यस और नो? तो यस इंसेक्ट्स क्या शो, इंसेक्ट फीमेल्स क्या है, होमोगैमिटी की हेट्रोगैमिटी? होमोगैमी। होमोगैमिटी, फॉर्म ओनली वन टाइप ऑफ गैमीट एंड मेल शो हेट्रोगैमिटी, राइट? तो अब जो है यतिन ने बताना है बेटा 10th ए, अगला जो मैं बताने लगी हूँ 10th ए, यतिन, यतिन है बच्चे? एब्सेंट एब्सेंट है,
चलिए फिर 10th बी में से हरमन ने बताना है बेटा। हरमन इज देयर, हरमन आ जा बेटा। अब जो मैं पूछने लगी हूँ पहले इधर आ जाओ। तीसरा जो है हम बता रहे हैं बर्ड्स का। बर्ड्स में हम कहते हैं जेड 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 डब्ल्यू। जो मेल्स, मैंने यहाँ पे एक मिनट इधर मैंने गड़बड़ लिख दी, दिस इज फीमेल, आई एम सॉरी। जो फीमेल्स है ऑटोसोम्स एंड जेड डब्ल्यू, और जो मेल्स है ऑटोसोम्स जेड जेड। अब जतिन आपने मुझे बताना है कि ये एक टाइप का गैमीट कि दो टाइप का गैमीट, जल्दी से बताओ। दो दो टाइप के गैमीट्स बनेंगे, कौन कौन से बेटा? ए जेड बेटा कोई और नहीं बताएगा, लेट लेट द स्टूडेंट टेल, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले, उसे समझ में आए। दूसरा बताओ, डब्ल्यू ए डब्ल्यू। और ये ए जेड जेड। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो, फीमेल्स जो है वो दो टाइप के एग्स प्रोड्यूस करती है, जबकि जो मेल्स है वो वन टाइप के एग प्रोड्यूस करता है। इज इट राइट? ठीक यस है, ठीक है, पता चल गया बेटा जतिन। मैम हरमन हरमन, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, हरमन, हरमन पता चल गया बेटा। यस ठीक है, चलो बैठो। लवलीन, थैंक्स राजवीर आ जाओ बेटा। अब बेटा जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूं, इन ह्यूमंस द सेक्स इज, डिटरमिंड बाय, दो ही ऑप्शंस दूंगी, मेल गैमीट्स या स्पर्म्स, और दूसरा है फीमेल गैमीट्स या एग्स। और ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, इन बर्ड्स द सेक्स इज डिटरमिंड बाय। यही ऑप्शंस यहां पे है। और थर्ड है, इन इंसेक्ट्स द सेक्स इज डिटरमिंड बाय, ऑप्शंस यही है। हाँ जी बेटा, राजवीर फर्स्ट का आंसर बता दो बेटा। ठीक मेल गैमीट्स, बिल्कुल ठीक है बेटा, इट इज आंसर इज मेल गैमीट्स। इफ द फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट इज एक्स कंटेनिंग, और मेल गैमीट है ए एक्स एंड ए वाई। अगर ये प्रोड्यूस हो जाता है इट विल बी फीमेल, अगर ये प्रोड्यूस होता है तो इट विल बी मेल। बैठो राजवीर, बिल्कुल ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाता है बेटा 10th बी में से यश, यश कुमार है। हाँ जी बेटा, इसका बताओ, बर्ड्स में इट इज फीमेल की मेल? फीमेल, बिल्कुल ठीक है यश, क्योंकि फीमेल हेट्रोगेमिटी है कि होमोगेमिटी है? हेट्रोगेमिटी, जिसमें हेट्रोगेमिटी है वही तो डिसाइड करेगा ना, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। बैठो यश। यशिका, 10th बी, इन इंसेक्ट्स दैट सेक्स इज डिटरमिंड बाय, मेल इट इज मेल गैमीट्स, बिल्कुल ठीक है, बिकॉज रीजन क्या बताना है, बिकॉज मेल इज हेट्रोगेमिटस, इज इट राइट? ठीक है यस बेटा, बैठो बच्चे। आपने पिछला लिख लिया था, बर्ड्स का लिख लिया था, कि मैं पीछे करूं? एवरीबडी हैज रिटन,
चलिए वेरी गुड। चलिए अब क्वेश्चंस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 किए आपने कि करने हैं अभी? करने हैं, चलो कर लो फिर हम डिस्कस करते हैं। बेटा साइलेंटली बेटा कोई एक दूसरे से नहीं, मैंने आंसर्स बताने ही है ना, क्योंकि मुझे बेटा थोड़ा सा लाइफ प्रोसेसेस का आपका टेस्ट देख के मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि भी क्यों नहीं कर पाए आप। ठीक है, आपने फर्स्ट सेमेस्टर भी दे दिया, सब एग्जाम्स दे दिए, बट फिर भी मार्क्स कम। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन एक्स्ट्रा क्लास फॉर यू। बेटा नेक्स्ट वीक इन दोनों चैप्टर्स का टेस्ट दोबारा से ले ले, लाइफ प्रोसेसेस एंड हेरिडिटी का। नहीं अभी नहीं कि ले लें? हु आर रेडी, रेज योर हैंड्स। जो कहते हैं कि ले लो, रेज योर, जरा ऊंचा हाथ खड़ा करो। टेस्ट देने को कोई तैयार नहीं होता है। पेपर अच्छा पेपर है आपका, कब से शुरू है? प्रिपरेशन 7th से शुरू है। ओके, से। तो बेटा तो मेरा मेरी बात सुनो कि ये तो दोनों चैप्टर्स आने ही आने हैं, यस और नो? के लिए हेरिडिटी नहीं आना है नहीं बेटा? पर आपने मैम से भी कर लिया, मेरे से भी कर लिया, एक बार टेस्ट दे ही दो, हेरिडिटी का क्या फर्क पड़ता है? चलो मैं आई विल डिस्कस विद योर टीचर्स, देन दे विल टेल यू। बस बातें नहीं, बातें नहीं, बिल्कुल एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। बातें बिल्कुल नहीं बॉयज, इधर बेटा। आई थिंक 10th A में फर्स्ट बेंच पे जो बॉयज है, मैम देखना इनके तीनों के पास है कि नहीं है। कंबाइंड है मैम, एक एक असाइनमेंट है। हाय हाय, चलो बीच में रखो, आराम से कर लो, आराम से कर लो। चलो बस 2 मिनट्स लेफ्ट, करो फटाफट से।
डन बेटा। चलिए जी हम आ जाते हैं बेटा जशनप्रीत 10th B। हाय हाय इतने सारे बच्चे एब्सेंट। देन वी कम टू अरमानप्रीत 10th B। आ जा बेटा अपनी असाइनमेंट लेके आ जा जल्दी से। देन ईशा 10th B। ईशा आप आ जाओ। सुखमन 10th B। चलिए ये तीन आ जाओ। चलिए जी फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी फर्स्ट स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा बेटा? बीटा द वाई क्रोमोसोम इन जाइगोट, ये पता है आपको। बैठो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट चाइल्ड आ जाओ माइक के पास आ जाओ। ए ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बेटा, जोर से। बोथ मेटरनल एंड पेटरनल डीएनए, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। बैठो बेटा नेक्स्ट बोलो थर्ड। इट इज सी, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्योंकि पिंक कलर्ड फ्लावर्स और हमें क्या मिल रहे हैं, रेड भी मिल रहा है, पिंक भी मिल रहा है, व्हाइट भी मिल रहा है, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन से बने होंगे। दैट इज नहीं नहीं बेटा अब ध्यान से देखो, टू पिंक फ्लावर्स, ध्यान से देखो, नहीं ये देखो क्वेश्चन क्या है कि टू पिंक फ्लावर्स, पिंक फ्लावर्स कौन से होंगे? ये वाले पिंक फ्लावर्स थे, दे प्रोड्यूस रेशो 1:2:1। सो नेचर ऑफ द क्रॉस ये क्या है? दिस इज सेल्फिंग, इजंट इट? यस ठीक है। पहले हमने किसको क्रॉस किया था? पहले, इससे पहले ये पिंक फ्लावर्स कैसे बने होंगे? रेड को और व्हाइट को, यहां पे थोड़ी सी मिक्सिंग थी, इसको क्रॉस किया तो ये बन गया दिस वन। आपको सिर्फ रेशो ये देखनी है, F2 कैसे बनती है? F2 इज फॉर्म बाय सेल्फिंग ऑफ S1, यस इजंट इट? बस हमने और कुछ नहीं देखना, आपको रेशो दी हुई है ये वाली, तो यहां से आपको पता चल रहा है कि ये F2 रेशो है, और F2 रेशो कैसे बनती है? सेल्फिंग ऑफ F1। क्लियर और नॉट? कोई से भी फ्लावर्स हो, कोई सा भी करेक्टर दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन। एनी डाउट टू एनीबॉडी? मैम जरा पूछो, बैठो बेटा, कि किसी को, मैंने भी गलत मार्क किया था बेटा, बट ये क्वेश्चन पढ़ के मुझे समझ में आया। एनी डाउट मैम जरा इनसे पूछो, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। चलिए जी एनीबॉडी, ओके। क्वेश्चन नंबर फोर्थ 10th A अमृतदीप, अमृतदीप जल्दी से भाग कर क्विक। इट इज सी, लीफ शेप उसने स्टडी नहीं किया था, बिल्कुल ठीक है। बैठो बेटा अमृतदीप के बाद आ जाता है बेटा अर्जुन। अर्जुन इज देयर? अर्जुन पहले भी नहीं आया था। देन नेक्स्ट इज अनिकेत। अनिकेत भाग कर, भागो 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 जल्दी से। क्वेश्चन नंबर फाइव डी, पोजीशन ऑफ पॉड, और क्वेश्चन नंबर सिक्स भी बता दो बेटा। एक्स 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 ओ टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन, तो मुझे ये बताइए कि ये किस में, एक्स एक्स किस में है, मेल में कि फीमेल में? फीमेल है बेटा, और मेल ये है, तो हेट्रोगेमिटी किस में है, मेल में कि फीमेल में? मेल में है बेटा, फीमेल में नहीं, ठीक है, याद रखना है बच्चे, ठीक, तो मेल में है। बैठो बच्चे, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ
मेल हेट्रोगेमिटी। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7th, एंड सेम ही को है तकरीबन, बट रमनप्रीत। 10th बी, बी ऑप्शन, बी मेल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स। मेल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए जी अब रीजन असर्शन कर लो सारे। फटाफट से रीजन असर्शन 9 है आपके, एंड 10 मिनट्स, क्विक। रीजन असर्शन के जो क्वेश्चंस है वो हमने 10th ए से पूछने हैं, इसलिए बड़े ध्यान से। अर्जुन अर्जुन है 10th ए में? अच्छा अर्जुन एब्सेंट है। बक्सिता, बबीता नाम है, क्या नाम है बेटा? आ जाओ माइक के पास आओ बेटा, पहले अपना नाम बताओ। बबीता। BABITA। ओके, मेरे पास ना नाम यहाँ पे गलत आया हुआ है बेटा शायद ना। ओके ओके बबीता, टेल मी क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो और मुझे बताओ। ऑप्शन ऑप्शन ए, बिल्कुल ठीक है। वेरिएशन अराइजिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी इनहेरिटेड। वेरिएशंस जनरली इनहेरिटेड है। दीज वेरिएशंस मे लीड टू इंक्रीज्ड सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, सो ऑप्शन ए। आपके पास आंसर्स है इसके? नो। नो। चलो बैठो बेटा, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बबीता के बाद आ जाता है बेटा देव। देव इज देयर, No. ध्वनि। Yes. ध्वनि आ जाओ बेटा, Stroke. सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स हैव टू कॉपीज ऑफ जीन्स फॉर द सेम ट्रेट। बेटा ट्रेट, अब यहाँ पे देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, कि ट्रेट जो है यहाँ पे लेटर से हाइट है। क्या आपके पास, हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है, क्या आपके सेल में ये वाली जो नॉर्मल गैमेट्स की नहीं मैं बात कर रही, ये कंडीशन होगी कि ये कंडीशन होगी? कौन सी कंडीशन होगी, फर्स्ट की सेकंड? सेकंड होगी या कुछ भी, मेरा मतलब यही वाली कंडीशन होगी ना, सेकेंड ही होगी ना। हाँ जी बबीता, एम आई राइट कि नहीं, गलत हूं मैं? इज दिस राइट? चलिए अब मुझे ये बताएं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स हैव टू कॉपीज ऑफ जीन्स। टू कॉपीज ऑफ जीन्स मीन्स टू एलील्स फॉर द सेम ट्रेट। एक करेक्टर के लिए, एक ट्रेट के लिए दो एलील्स है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट की फॉल्स? ट्रू है बेटा, है ना। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में एक जो है मदर से आ रही है, एक फादर से आ रही है, तो ये ट्रू है। इफ द कॉपीज आर नॉट आइडेंटिकल, द ट्रेट दैट गेट एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड एज डोमिनेंट ट्रेट एंड द अदर इज कॉल्ड एज रिसेसिव ट्रेट। अगर दो आइडेंटिकल नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन है, तो इसमें से डोमिनेंट कौन सी है, कैपिटल टी की स्मॉल टी? शी विल टेल, यस। ध्वनि है, आई होप ध्वनि इज देयर, राइट? हाँ ध्वनि बताओ, कैपिटल कैपिटल टी इज डोमिनेंट, स्मॉल टी इज रिसेसिव, सो द रीजन स्टेटमेंट इज करेक्ट।
करेक्ट और इनकरेक्ट? इनकरेक्ट, क्यों फॉल्स है मुझे ये बताओ। उसने कहा है, ये जो कह रहा है कि अगर जो दो कॉपीज है, दो जीन्स की दो कॉपीज है, अगर वो आइडेंटिकल नहीं होगी तो उसमें से एक डोमिनेंट है जो एक्सप्रेस करती है और दूसरी रिसेसिव है जो एक्सप्रेस नहीं कर पाती, तो इसमें गलत क्या है? बोलो बेटा। इफ द कॉपीज आर नॉट इडेंटिकल, ये गलत है चीज बेटा? ठीक है, देखो उसने क्या कहा कि अगर दोनों, ये देखो ये दोनों होमोजाइगस है, ये दोनों होमोजाइगस है, इसका क्या मतलब है? जो दो कॉपीज है एक जीन की वो आइडेंटिकल है, बट नॉन आइडेंटिकल भी तो हो सकती है। ठीक है, ये यहाँ पे जो दो जीन की जो दो एलील्स है, एलील्स मींस जीन की जो दो कॉपीज है, कॉपीज मतलब फोटो कॉपी नहीं, वैसे ही जो दो फॉर्म्स है वो अगर नॉन आइडेंटिकल होगी तो उसमें से एक डोमिनेंट होगी और एक रिसेसिव होगी। यस और नो? अब समझ में आई यस। ध्वनि? तो ये बेटा ठीक है स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपके सैंपल पेपर में, या इस साल के सैंपल पेपर या पिछले साल के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, मतलब ये पेपर में आ सकता है, समझो इस चीज को। ठीक है, अब पता चला ये ठीक क्यों है? तो दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है, बट जो इफ द कॉपीज आर नॉन आइडेंटिकल, हाँ ऑप्शन ए इज करेक्ट, नहीं ऑप्शन ए नहीं बेटा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कि दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो ठीक है, बट रीजन इज नॉट द एक्सप्लेनेशन। बैठो बेटा ध्वनि बैठो। बट रीजन इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। रीजन क्या ठीक होता बेटा इसका? रीजन ठीक होता कि दो कॉपीज ऑफ जीन्स है, बिकॉज इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म द टू गैमीट्स फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट। ओके, ये रीजन होता तो तब हम कहते कि रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। एवरीबॉडी क्लियर? क्वेश्चन नंबर थ्री, हरनीत कौर है? हरनीत नो। देन जहीन, यस माइक पे आओ और फिर बताओ क्वेश्चन नंबर थ्री। एम पी ऑप्शन, सेक्स इज डिटरमिन्ड बाय डिफरेंट फैक्टर्स इन वेरियस स्पीशीज, ये बिल्कुल ठीक है बेटा। नहीं, क्योंकि कुछ में सेक्स क्रोमोसोमल है, जैसे रेप्टाइल्स होते हैं ना बेटा, लिजर्ड्स है, टॉर्टोइज है, इनमें अगर जाइगोट को गर्म टेम्परेचर पे रख दो तो वो मेल बनाएगा, ठंडे टेम्परेचर पे रखो तो फीमेल बनाएगा, तो वहां पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिपेंड्स ऑन वेदर द पेटर्नल क्रोमोसोम इज एक्स और वाई, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। सो डिफरेंट फैक्टर्स है, एक फैक्टर उसमें ये है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगी बेटा? बी, इट इज बी, बीटा, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। कि दोनों इसमें अगर रीजन, अगर ए ऑप्शन के लिए हम रीजन क्या देख सकते थे कि इन सम इट इज, लिख लो ट्रू रीजन इसके बारे में लिख लो। बैठो बेटा आप बैठो, वेरी गुड, इसका ट्रू रीजन लिख लो। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बट अगर ट्रू रीजन लिखना होता तो हम लिखते हैं इन सम केसेस द सेक्स इज डिटर्मिंड बाय सेक्स क्रोमोसोम्स एंड इन सम अदर्स द एनवायरमेंटल फैक्टर डिटर्मिन्स द सेक्स, द एनवायरमेंटल फैक्टर डिटर्मिन्स द सेक्स ऑफ द जाइगोट। क्वेश्चन नंबर फोर, जसलीन 10th है, आ जाओ बेटा। मैम ए ऑप्शन, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। वो कहते हैं कि ऑल वेरिएशंस, बैठो बेटा बैठो, वेरी गुड, वेरिएशंस किसी भी टाइप की हो सकती है। लेट अस से कोविड हुआ
डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स थे, कुछ वेरिएशंस के कारण क्या हुआ, कुछ ऑर्गेनिजम्स दे आर मोर सेंसिटिव टू कोविड, बट इन सम अदर दे आर मोर रेजिस्टेंट टू कोविड. तो किसका चांस ऑफ सर्वाइवल बढ़ गया, जो कोविड से रेजिस्टेंट थे. कोविड आया तो इसका मतलब एनवायरनमेंट चेंज हो गया, एनवायरनमेंट में एक वायरस आ गया, ठीक है. सब में कुछ ना कुछ वेरिएशंस थी, बट कुछ में ऐसी वेरिएशंस थी जिसके जिसने उन्हें रेजिस्टेंस दी, और कुछ वेरिएशंस थी जिसने उसने सेंसिटिविटी दे दी. ओके. सो और इस कारण ना, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशंस, डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस. द ऑर्गेनिजम्स विच आर मोस्ट अडेप्टेड टू द एनवायरमेंट विल सर्वाइव, ठीक है. तो ऑल वेरिएशंस डू नॉट हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल, ठीक है. द वेरिएशंस विच हेल्प्स इन अडेप्टेशन हेल्प्स इन सर्वाइवल. ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 5, जसरीत कौर 10th है. जसरीत इज देयर, आ जाओ. ऑप्शन ए. चलो हम देखते हैं. लेट लेट अस डिस्कस. अ जीन इज अ यूनिट ऑफ डीएनए ऑन ए दैट गवर्न्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन दैट कंट्रोल स्पेसिफिक. इज इट राइट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. यस, जीन इज अ यूनिट. ये अगर डीएनए है तो दिस इज वन जीन, दिस इज अनदर जीन, दिस इज अनदर जीन. सो पार्ट ऑफ जीन, पार्ट ऑफ द डीएनए या क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज जीन विच कंट्रोल्स अ स्पेसिफिक कैरेक्टर. लेट अस से इट इज कंट्रोलिंग हाइट, इट इज कंट्रोलिंग इंटेलिजेंस, इट इज कंट्रोलिंग अवर स्किन कलर एंड ऑल दैट. थ्रू प्रोटीन्स, डीऑक्सी रीजन है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स. ये भी रीजन ठीक है. डीऑक्सी राइबो प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम ऑफ द सेल न्यूक्लियस इज द, बेटा ये ठीक है, डीएनए ही तो, क्योंकि जीन्स किसकी बनी है, डीएनए की बनी है, तो डीएनए पे ही तो प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है, राइट और नॉट. ठीक है बेटा, मेरी बात समझ में आई. क्योंकि यस क्रोमोसोम किसका बना, जीन किसकी बनी है, डीएनए की ही बनी है. अगर हम कहते हैं जीन हैज द इंफॉर्मेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, इट मींस डीएनए हैज द इंफॉर्मेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है. तो अब हम देखते हैं, अ जीन इज अ यूनिट ऑफ डीएनए ऑन ए क्रोमोसोम दैट गवर्न्स द सिंथेसिस ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोटीन. डीएनए प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम ऑफ ए सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन, ठीक है. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है, कि रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन. उसने कहा जीन कंट्रोल स्पेसिफिक कैरेक्टर बाय सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, क्योंकि डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन बनाने की. इज इट ओके, ठीक यस है. तो बैठो बेटा, एनी डाउट, ठीक है. आपने ये पूछना है, जैसे हम कहते हैं ये असर्शन है, ये ठीक है, तो ये ठीक क्यों है, तो क्या रीजन उसको एक्सप्लेन कर रहा है क्यों को, तब हम करेंगे ए, ठीक है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. हाँ जी, नेक्स्ट आ जाते हैं, रितिका 10th है. अब 10th बी का नंबर है बाकी क्वेश्चंस का. 10th ए रितिका. मैम, ऑप्शन मेंडल स्टडीड 7 पेयर्स ऑफ एलिलिक कैरेक्टर्स इन पी प्लांट. ग्रीन पॉड कलर इज ए डोमिनेंट ट्रेट स्टडीड बाय मेंडल इन ए पी प्लांट. बेटा देखो, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट उसने 7 करेक्टर्स क्यों स्टडी किए, क्योंकि वो इजीली डिस्टिंग्विशेबल थे, इसलिए हम कह सकते हैं. तो ये रीजन, स्टेटमेंट्स दोनों ठीक है, बट रीजन तो नहीं है ना इसका, कि उसने 7 करेक्टर्स स्टडी किए, क्यों किए 7 करेक्टर्स, यहाँ पे एग्जैक्ट रीजन. ऑप्शन बी इज करेक्ट. बी क्या होती है ऑप्शन, बेटा ऑप्शंस ऊपर चारों पढ़ लेनी है, जो स्टैंडर्ड ऑप्शंस है वो बी ऑप्शन है, कि दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है बट रीजन डज नॉट एक्सप्लेन असर्शन. ओके, सो ऑप्शन बी है इसकी, यहाँ पे लिख लो, रीजन करेक्ट असर्शन करेक्ट बट रीजन, लिख लो. बैठो बेटा, अपनी सीट पे बैठो. बट रीजन डज नॉट एक्सप्लेन असर्शन.
करेक्ट रीजन लिख लो, बिकॉज द सेवन करेक्टर्स ही स्टडीड, ही स्टडीड हैव डिस्टिंक्ट कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, हैव डिस्टिंक्ट कंट्रास्टिंग ट्रेट्स. जैस्मिन 10th बी. आ जाओ बेटा जल्दी से. सी ऑप्शन बेटा क्वेश्चन है, ह्यूमन मेल्स हैव दिस सेक्स वेयर द एक्स क्रोमोसोम इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट. एक्स क्रोमोसोम देखने में भी फर्क लगता है वाई क्रोमोसोम से. कैसे लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि वाई क्रोमोसोम इज स्मॉलर देन एक्स क्रोमोसोम, हेंस दे आर डिससिमिलर और हेट्रोमॉर्फिक. बिल्कुल ठीक है बेटा, जो एक्स क्रोमोसोम है वो है ऐसे, और जो वाई क्रोमोसोम है वो है ऐसे छोटा सा. ठीक है, तो दे आर डिस्टिंक्ट क्योंकि एक्स क्रोमोसोम बहुत बड़ा है, वाई क्रोमोसोम छोटा है. ठीक है जैस्मिन बैठो बेटा. ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट कि रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन. बोथ स्टेटमेंट साथ ही लिख लो, बोथ स्टेटमेंट्स करेक्ट एंड रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन. नैना उसके बाद स्मृति 10th बी. ए ऑप्शन. अच्छा ए, अच्छा ए में से आया. अच्छा ए ऑप्शन है, व्हेन ए टॉल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद ए शॉर्ट पी प्लांट द रिजल्ट इज ऑलवेज टॉल बिकॉज टॉलनेस इज डोमिनेंट ट्रेट, शॉर्टनेस इज अ रिसेसिव ट्रेट, द डोमिनेंट ट्रेट. यस बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए ये सबको पता है. बैठो बेटा, वेरी गुड. मानव 10th बी. रितिका बैठो बेटा, रितिका से मैं अभी पूछती हूँ, मानव से पहले पूछ लें. ऑप्शन बी. सेक्सुअली रिप्रोड्यूस इसका क्या मतलब है, ऑप्शन बी का क्या मतलब है? दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है एंड रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन की रीजन डज नॉट एक्सप्लेन असर्शन. डज नॉट. डज नॉट बिल्कुल ठीक है आंसर बी, बट मैं आई लेट मी चेक. सेक्सुअली रिप्रोड्यूस विल शो मोर वेरिएशन एज जेनेटिक मटीरियल इज एक्सचेंज्ड बिटवीन होमोलोगस. बिल्कुल ठीक है, ड्यूरिंग asexual mutations are the only means of variation during the which are not very common and thus may lead to very little variation. But option B is correct. एक मिनट बेटा यहाँ पे ना थोड़ा सा ठीक करो, बैठो सब यहाँ पे लिखो. Sexually will show more variation as genetic material is exchanged between homologous pairs of chromosomes. As compared to asexual reproduction, लिखो as compared to asexual reproduction. Because आगे asexual reproduction में mutations आ गए, mutations होता है sudden change in genetic material जो common नहीं है, इसलिए option ये थोड़ा सा लिखने से answer क्या आ जाएगा A. ठीक है मानव ठीक कर लो कि reason explains assertion क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए कॉपिंग में या म्यूटेशन, म्यूटेशन होता है सडन चेंज किसी भी कारण से, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. चलिए जल्दी से अब ये सोर्सेज वाले कर लो, केस बेस्ड जल्दी से. हमारे पास 5-10 मिनट्स है, फटाफट. हमारे पास 3 केस स्टडीज है, 2 नहीं है 3 है. रितिका नवकरण इन्होंने बताना है. कर लो पहले 5 मिनट लगा लो बेटा, फिर हम बात करते हैं.
अच्छी आवाज थी बेटा। केस स्टडीज करके ये वाला एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, इसके गैमीट्स बनाने हैं आपने जल्दी से। कर ली केस स्टडीज कर ली बेटा। यस रितिका आ जाओ बेटा। रितिका कम फॉरवर्ड बच्चे। केस स्टडी क्वेश्चन नंबर इसका ए पार्ट, व्हाट इज व्हाट सेक्शन ऑफ सेलुलर डीएनए दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन, उसको क्या बोलते हैं बेटा? जीन। जीन, वेरी गुड, बैठो बेटा रितिका, इट इज ए जीन। नेक्स्ट आ जाइए मोहन कृष्ण, टेंथ बी। टेंथ बी मोहन जल्दी से। यहाँ पे बताइए बेटा क्वेश्चन आपने पढ़ा है, कहाँ गया मोहन? हाँ जी मोहन, पढ़ा आपने क्वेश्चन पढ़ा है बेटा, पढ़ो जरा। इन ए मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट टॉल प्लांट्स बियरिंग वायलेट फ्लावर्स, मतलब टॉल जो है वो ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, बियरिंग वायलेट फ्लावर्स, वायलेट जो है अगर वो डोमिनेंट है ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। लेट अस से वर ब्रेड विद शॉर्ट पी प्लांट, शॉर्ट पी प्लांट आपको पता है रिसेसिव है, विद व्हाइट फ्लावर्स ये भी रिसेसिव है, सभी के पास वायलेट फ्लावर्स थे, बट कुछ टॉल थे, टॉल एंड वायलेट, एंड
देयर आर डॉफ एंड वायलेट। अगर प्रोजनी के पास सभी वायलेट फ्लावर्स है तो वायलेट पहले मुझे बताओ ये वाला वायलेट होगा कि ये वाला वायलेट होगा, ए की बी? हाँ जी मोहन, और कोई नहीं बताएगा, मोहन बताएगा। हाँ जी इट इज ए, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दोनों वायलेट है इसका मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट है, बट कुछ टॉल है कुछ ड्वार्फ है, तो ये वाला ए की बी? कोई और नहीं बेटा, ऐसे बात नहीं बनेगी, उसको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि कुछ टॉल है कुछ ड्वार्फ है, जब सभी वायलेट थे तो आपने कहा होमोजाइगस डोमिनेंट, बट यहाँ पे कुछ टॉल है कुछ ड्वार्फ है, क्या होमोजाइगस की हेट्रोजाइगस? हेट्रोजाइगस, क्योंकि स्मॉल टी आना चाहिए, तो ये आएगा। तो आंसर उन्होंने पूछा है कि जो टॉलनेस है वो किसके कारण है, होमोजाइगस की हेट्रोजाइगस? आंसर इसका आ जाएगा, उसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके बैठो मोहन, समृति ने दिया आंसर, समृति 10th है, समृति, समृति इज देयर? हाँ जी समृति, गिव टू पॉइंट्स दैट कैन डिस्क्राइब मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। हाँ जी बोलो बेटा, आपने दो पॉइंट्स बताने हैं जो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस शो करते हैं, या मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ पे कर लो, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस कर लो। गिव टू पॉइंट्स विच शोज मेंडल लॉज ऑफ डोमिनेंस। ये मैं बता देती हूँ आपको, थोड़ा सा लिखना नहीं आएगा, बैठो बेटा आप इससे नेक्स्ट बताओ बेटा, चलो बाकी छोड़ो, इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताओ, ये मैं बताती हूँ आपको। A gene has two separate independent pieces, each called allele, from where each cell gets the two copies of the allele. One each from male and female parents. बिल्कुल ठीक है, from both the parents, one each from either of the parent. बिल्कुल ठीक, very good, बैठो। तो यहाँ पे Mendel's law of dominance, दो points बताने हैं आपने, यहाँ पे बताने हैं कि the dominant allele, फर्स्ट पॉइंट बताना है, द डोमिनेंट एलील एक्सप्रेसेस इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस फॉर्म। अगर डोमिनेंट कैपिटल टी कैपिटल है होमोजाइगस फॉर्म, एंड हेट्रोजाइगस में भी डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस करता है, द डोमिनेंट एलील एक्सप्रेसेस, लिख लो दो पॉइंट्स क्या है, डोमिनेंट एलील एक्सप्रेसेस इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस फॉर्म, और सेकेंड पॉइंट लिखिए द रिसेसिव एलील एक्सप्रेसेस ओनली इन होमोजाइगस फॉर्म, रिसेसिव एलील एक्सप्रेसेस ओनली इन होमोजाइगस फॉर्म। ठीक है, आई थिंक आप ये सब बाकी के क्वेश्चंस कर सकते हो, ये मुझे गैमेट्स बना के दिखाओ जल्दी से, बाकी के क्वेश्चंस आप अपनी मैम से डिस्कस जरूर कर लेना, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, बाकी ये बताओ फटाफट से। चलो बस जल्दी से करोगे तो उतना ही हमें फटाफट से होगा। तरनप्रीत, शरणप्रीत, रमनप्रीत 10th B, आगे आ जाओ जल्दी से, 10th B, शरणप्रीत, रमनप्रीत एंड तरन, तरनप्रीत, तरनप्रीत, शरणप्रीत एंड रमनप्रीत, तीनों आगे आ जाओ।
हाँ जी चलिए, फर्स्ट स्टूडेंट जो भी है, इसके कौन सा गैमीट बनेगा बेटा? मैम ए. ए. चलिए बैठिए, वेरी गुड. नेक्स्ट स्टूडेंट. हाँ जी, कौन सा गैमीट बनेगा बेटा? ए. एक ही गैमीट बनेगा कि दो गैमीट बनेंगे, कैपिटल ए कि स्मॉल ए? टू गैमीट. टू गैमीट्स. कौन से? कैपिटल ए स्मॉल ए. ये बनेगा कि ये वाला बनेगा, ये वाली फर्स्ट ऑप्शन कि सेकंड ऑप्शन? सेकंड. सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है. बैठो. नेक्स्ट स्टूडेंट. ए बी, वेरी गुड. चलिए जी, नेक्स्ट स्टूडेंट है जी, तनप्रीत एंड सुखप्रीत. तनप्रीत, सुखप्रीत, सुखमन, तीनों आ जाओ. हाँ जी, इसके कौन से गैमीट्स बनेंगे बेटा? मैम कैपिटल ए. हाँ. स्मॉल ए. स्मॉल बी. तीन गैमीट्स बनेंगे. मैम नो. हाँ मैम फर्स्ट में आएगा कैपिटल ए एंड स्मॉल बी. कैपिटल ए एंड स्मॉल बी, और दूसरा? मैम स्मॉल बी एंड स्मॉल बी. स्मॉल ए एंड स्मॉल बी. बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड. ये दो गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी. बिल्कुल ठीक है, बैठो बेटा. नेक्स्ट स्टूडेंट. मैम कैपिटल ए स्मॉल बी. कैपिटल ए स्मॉल बी, वेरी गुड. नेक्स्ट स्टूडेंट. मैम कैपिटल ए कैपिटल बी. हम्म. कैपिटल ए स्मॉल बी. वेरी गुड. चलिए जी बैठिए. एंड विधि, विधि इज देयर? हाँ जी बेटा, लास्ट वाला. कैपिटल एंड कैपिटल बी. कैपिटल ए कैपिटल बी. एंड कैपिटल ए एंड स्मॉल बी. दो ही बनेंगे बेटा, स्मॉल ए तो आया ही नहीं कहीं पे. स्मॉल ए एंड कैपिटल बी. हम्म. एंड स्मॉल एंड स्मॉल बी. वेरी गुड, वेरी गुड. बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड विधि. ठीक है जी, तो आई थिंक फटाफट से ये ना बस 2 मिनट हम और लेंगे टीचर्स, कि ये क्वेश्चंस पढ़ लो सब्जेक्टिव वाले, इनमें से कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो फटाफट से. एक बार जो फर्स्ट 7 क्वेश्चंस है, 8th वाला तुम्हारे पास आया हुआ वो काट दो. फर्स्ट 7 क्वेश्चंस पढ़ लो, कोई चीज आपको नहीं समझ आई, कोई क्वेश्चन भी कैसे लिखना है वो मेरे से पूछ लो. जैसे क्वेश्चन नंबर, मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देती हूँ कि F2 जनरेशन में ड्वार्फ करेक्टर आ गया, ये क्या इंडिकेट करता है? लिख लो, ड्वार्फ करेक्टर इंडिकेट्स, लिख लो फटाफट से. ड्वार्फ करेक्टर डज नॉट अपियर इन F1 बट अपियर्ड इन F2, बट अपियर्ड इन F2 शोज दैट देयर इज नो ब्लेंडिंग. ब्लेंड नहीं हुए, एक दूसरे से मिक्स नहीं हो गए. देयर इज नो ब्लेंडिंग बट द रिसेसिव करैक्टर विल अपियर. बट द रिसेसिव करैक्टर विल अपियर ओनली व्हेन इट कम्स इन होमोजाइगस फॉर्म. How many pairs of chromosomes are present in human beings? 23 pairs? Everybody know. Why is the progeny representing the tallness in a pea plant dominant over another trait, shortness? Because, yahan pe answer kya hai? Because the tall plants can be homozygous or heterozygous.
बिकॉज द टॉल प्लांट्स कैन बी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस. क्वेश्चन नंबर थ्री का ए, ये हम रीजन रीजन असर्शन में बता चुके हैं. और बी में हम कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि फ्यूजन नहीं है, एग्जैक्ट कॉपीज है, बट वेरिएशंस आती है बिकॉज डीएनए कॉपिंग इज नेवर एग्जैक्ट. ठीक है, वेरिएशंस अराइजेस, माइनर वेरिएशंस अराइजेस ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग. हाउ कैन क्रोमोसोम्स बी आइडेंटिफाइड? बाय देयर साइज एंड पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर क्या होता है बेटा? ये होता है सेंट्रोमियर. ऐसे भी क्रोमोसोम हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, बाय देयर साइज एंड पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर. ए नॉर्मल बेबी गर्ल रिसीव्स हर क्रोमोसोम्स फ्रॉम होम. दे रिसीव क्रोमोसोम्स फ्रॉम बोथ फादर एंड मदर. नो टू इंडिविजुअल्स आर एब्सोल्यूटली अलाइक इन ए पॉपुलेशन. वाई? बिकॉज ऑफ वेरिएशंस विच अराइज बाय फर्स्ट है ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग, सेकेंड है ड्यूरिंग फ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैमीट्स. लिख लो बेटा, ये क्वेश्चन आने हैं, ये क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर्स में से ही है कि दो इंडिविजुअल्स एक जैसे क्यों नहीं होते. बिकॉज वेरिएशंस अराइज ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग एज वेल एज फ्यूजन ऑफ गैमीट्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हेरिडिटी आप कर सकते हो. नेम द टर्म यूज फॉर द ट्रेट्स दैट आर एग्जिबिटेड एक्सटर्नली. ये आप बताइए. एक्सटर्नल अपियरेंस इज कॉल्ड एज फीनोटाइप. जैसे हम कह सकते हैं ये है जीनोटाइप और ये टॉल प्लांट है. टॉलनेस इज फीनोटाइप, दिस इज जीनोटाइप. एक्सटर्नल अपियरेंस इज कॉल्ड एज फीनोटाइप. डाया हाइब्रिड क्रॉस की फिनोटिपिक रेशियो क्या है? बताओ, जल्दी से बताओ. बिल्कुल ठीक है, 9:3:3:1. हाउ मेनी जीन सेट शुड ए जर्म सेल हैज? जर्म सेल मीन्स गैमीट हैज. वन सेट, टू सेट्स एक ऑर्गेनिज्म में होते हैं, बट एक गैमीट में एक ही सेट होता है. ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन जर्म सेल. व्हाट इज एफ टू जनरेशन? विच इज फॉर्म्ड बाय सेल्फिंग ऑफ एफ वन जनरेशन. एफ टू इज फुल फॉर्म हम कह देते हैं. सेकेंड एफ का मतलब है फिलियल. Which is formed by selfing of F1 generation. Is it okay? Yes. I think teen laws kaun se hai Mendel ke? Law of dominance. Dusra? Law of independent assortment. Tino clear hai aapko laws? Yes. Chaliye. Theek hai beta. Ab mujhe jaldi se ye batao. कि जो लाइट का, बेटा अगली बार रे डायग्राम्स, मैम ने कहा कि आपको रे डायग्राम्स अच्छी तरह नहीं आते, साइन कन्वेंशंस आपने करके आनी है. करके आओगे? yes. क्योंकि इस वीक क्लासेस लगनी है आपके एग्जाम्स, तो बेटा लाइट एग्जाम में आना भी होगा. यस और नो, जल्दी से फटाफट, लाइट आना है एग्जाम में. ठीक है ना, तो क्या करके आओगे आप जल्दी से बताओ. रे डायग्राम्स एंड साइन कन्वेंशंस, प्लस और माइनस कहाँ पे करते हैं. ठीक है जी, चलिए. थैंक यू बेटा, थैंक यू टीचर्स, बाय बाय.